भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा हिमाचल प्रदेश की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। यह बैठक कांगड़ा के गग्गल स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई। बैठक में उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, चुनावी प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक और विभिन्न प्रतिनिधियों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जेसी शर्मा को विधिवत भाजपा का सदस्य बनाया गया। जेसी शर्मा को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पटक पहनाकर भाजपा का सदस्य बनाया। कांगड़ा से शुरू हुआ यह अभियान आने वाले दिनों में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश चुनाव 2024 को लेकर क्लस्टर बैठक संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस बैठक को संबोधित किया। लगभग 2.5 घंटा चलने वाली इस बैठक में 2024 चुनाव की दृष्टि से समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के अनेक अभियान चल रहे हैं, जिसमें गांव चलो अभियान है, उनकी कार्यों की सबकी समीक्षा की, बूथ कैसे मजबूत हो उसके बारे में चिंतन किया, सभी को डायरेक्शन दी, मन की बात का कार्यक्रम कैसे प्रभावशाली हो, हर मन की बात के कार्यक्रम में बूथ की बैठक हो, अर्थात ग्राउंड जीरो के ऊपर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां किस प्रकार से पहुँचे और इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की जो नकारात्मक नीतियां हैं, जो परिवारवाद है, वो कैसे नीचे तक पहुँचे, इन सभी विषयों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरी तरह से पार्टी को और तैनात किया, चाक चौबंद किया। 2024 में हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जीतने के लिए किस किस तरीके के साथ संगठन को आगे बढ़ना है, वह समस्त दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए और डेट बाउंड मैनर के अंदर संगठन अपने कार्यों को पूरा करेगा, ऐसा हिमाचल प्रदेश के संगठन ने नेशनल प्रेसिडेंट को एश्योर किया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन कुमार की रिपोर्ट।